हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज बनाएंगे ओट्स का हेल्दी और टेस्टी नाश्ता। ओट्स को आप डेली एक तरह से खा करके बोर हो गए हो तो कुछ इस तरह से ट्राई करिए। और इसके अंदर बहुत सारी ऐसी चीज़ें डली हैं जो हेल्दी भी हैं और ये बनाने में बहुत आसान है। तो चलिए देखते हैं इसे हम कैसे बनाते हैं और आप एक बार इसे ट्राई करेंगे तो आपको अच्छा लगेगा। ये बहुत जल्दी बनकर तैयार हो जाता है और नाश्ते के लिए बहुत अच्छा ऑप्शन है। और रोज़ रोज़ हम ओट्स की नई नई डिशेस बना के खाएंगे तो हम ओट्स से बोर भी नहीं होंगे। ओट्स खाने में बहुत हेल्दी होता है। तो फ्रेंड्स, चलिए देखते हैं ये टेस्टी और हेल्दी ओट्स का चीला कैसे बनाते हैं। तो फ्रेंड्स, इसे बनाने के लिए मैंने यहाँ पर एक कप ओट्स ले लिए हैं। आप कोई भी कप या कटोरी सेट कर लीजिए और उसी के नाप से बाकी के इंग्रेडिएंट्स भी लेने हैं। तो यहाँ पर मैंने एक कप ओट्स ले लिया है और आधा कप बेसन यहाँ पर मैंने डाल दिया है। और अब मैं इसमें डालूँगी आधा कप दही। तो आप जो भी कटोरी या कप की नाप ले रहे हो और उसी से ही आप बाकी के सारे इंग्रेडिएंट्स डाल दीजिए। अब यहाँ पर मैंने आधा कप पानी डाल दिया है और इन सभी को मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी। तो इस रेसिपी को बनाने के लिए सबसे पहला जो स्टेप है वो यही है कि इन सारे इंग्रेडिएंट्स को हमें मिक्स करना है और मिक्स करके इसे हम साइड पे रख देंगे ताकि जो ओट्स हैं वो थोड़े सॉफ्ट हो जाएं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ये जो बैटर है वो थोड़ा गाढ़ा गाढ़ा लग रहा है तो हम इसमें थोड़ा सा पानी और मिला देंगे। ज़्यादा पानी हमें नहीं मिलाना है, हम इसमें थोड़ा सा पानी और मिला देंगे और इसे साइड पे रख देंगे। तो फ्रेंड्स देखिए, यहाँ पर मैं 1/4 कप के करीब पानी और ऐड कर रही हूँ और वापस से इसे अच्छे से मिक्स कर लूँगी। ये बैटर थोड़ा गाढ़ा हो गया था, इसे हमें बहुत गाढ़ा नहीं रखना है। और अभी जब ये सेट होने के लिए रखेंगे तो ओट्स फूलेगा और ये सारा पानी इसमें एब्जॉर्ब हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, इसे अच्छे से मिक्स कर लीजिए और इसे ढक्कन लगा करके एक तरफ रख दीजिए। और जब तक हम बाकी की तैयारी करेंगे, इसमें हम कुछ वेजिटेबल्स डालेंगे तो उन्हें हम कट कर लेते हैं और तब तक ये ओट्स इसमें अच्छे से फूल जाएगा और सेट हो जाएगा। तो अब नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पर मैंने कुछ वेजिटेबल्स ले ली हैं। एक बड़े साइज़ का प्याज, एक शिमला मिर्च और एक टमाटर, इन सभी को मैंने बारीक कट कर लिया है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो मैंने इसमें पानी डाला था वो काफ़ी सारा एब्जॉर्ब हो गया है। तो अब इस बैटर में मैं कुछ मसाले डाल रही हूँ। नमक स्वाद अनुसार, लाल मिर्च पाउडर 1 चम्मच, गरम मसाला पाउडर 1/2 चम्मच, चाट मसाला 1 चम्मच। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने ज़्यादा मसालों का यूज़ नहीं किया है, बहुत थोड़े से मसालों का यूज़ किया है। और आप देख सकते हैं जो हमने यहाँ पर पानी डाला था वो सारा इस बैटर ने एब्जॉर्ब कर लिया है और ओट्स अच्छे से फूल गए हैं। तो अब इस मिक्सचर में कंसिस्टेंसी सेट करने के लिए मैंने थोड़ा सा पानी और डाल दिया है क्योंकि हमें बैटर बहुत गाढ़ा भी नहीं चाहिए, बहुत पतला भी नहीं चाहिए। जिस तरह से तवे पर हम इस बैटर को डालें और ये आसानी से फैल जाए, इतनी ही बैटर की कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। तो आप देख सकते हैं मैं जैसे इसको चम्मच से गिरा रही हूँ, ये अच्छे से गिर रहा है। तो अब यहाँ पर मैंने वो जो कटी हुई सब्जियाँ रखी थी उसे इसमें डाल दिया है। तो फ्रेंड्स, इसका टेस्ट बढ़ाने के लिए आप यहाँ पर एक नींबू का रस भी डाल सकते हैं, उससे इसका टेस्ट भी और बढ़ जाएगा। पिसी हुई काली मिर्च और भुना हुआ जीरा पाउडर भी आप इसमें डाल सकते हैं, वो भी हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है। तो वो भी आप इसमें डाल दीजिए जिससे इसका स्वाद भी बढ़ जाएगा। तो आप देख सकते हैं ये बैटर बनकर रेडी है
और इसकी कंसिस्टेंसी आप देख लीजिए। जब इसको यूँ गिराएंगे तो ये इजीली ये गिर रहा है, इसका मतलब ये परफेक्ट बैटर बनकर रेडी हो गया है। तो चलिए अब नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। अब यहाँ पर मैंने एक इनो का पाउच डाल दिया है। तो फ्रेंड्स, सबसे लास्ट में आप एक इनो का पाउच इस बैटर में डाल देंगे, जिससे कि अच्छे से फूल जाएगा। आप देख सकते हैं कि बैटर पहले से अच्छा सा फूल गया है। और अब हम चलते हैं गैस की तरफ। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने फ्लेम ऑन कर दिया है और मैंने यहाँ पर नॉन स्टिक पैन रख दिया है और उसमें मैंने 2-3 ड्रॉप्स ऑयल की डाल दी हैं और 1 चम्मच ये बैटर मैंने इसमें फैला दिया है। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने थोड़ा सा ऑयल डाला है। स्टार्टिंग में 2 या 3 ड्रॉप ही मैंने ऑयल डाले हैं और आप इस तरह से इसे सेट कर दीजिए। बैटर को अच्छे से फैला दीजिए और 3 से 4 मिनट तक मीडियम फ्लेम पर इसे रहने दीजिए। और 3 से 4 मिनट के बाद इसे आप पलटाएंगे। ऊपर से मैंने थोड़ा सा ऑयल और भी लगा दिया है, कुछ ड्रॉप्स ऑयल के आप इस तरह से ऊपर से लगा दीजिए। और जैसे ही ये सेट हो जाएगा, नीचे की जो लेयर है आपको थोड़ी सी स्टिफ दिखने लगेगी, तो आप इस तरह से इसे पलट दीजिए। ये बहुत ही आसानी से बनकर तैयार होता है और खाने में बहुत स्वादिष्ट होता है। और इस बात का विशेष ध्यान रखें कि इसे आप मीडियम फ्लेम पर पकाएं, ताकि अंदर से ये अच्छे से पक जाए और अंदर जो सब्जियां हैं वो अच्छे से सिक जाएं। हाई फ्लेम पर पकाएंगे तो ये जल जाएगा और अच्छे से बन भी नहीं पाएगा। तो मीडियम फ्लेम पर आप इसे पकाइए। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं इस तरह से मैंने इसे पलटा दिया है। ये दिखने में तो बहुत सुंदर लग रहा है, खाने में बहुत स्वादिष्ट है और हेल्दी भी है। तो इस तरह से 3 से 4 या 5 बार अलट पलट करके आप इसे बना लीजिए। जैसे इस पे अच्छा सा कलर आ जाए, इसका मतलब है कि बनकर तैयार हो गया है। फ्रेंड्स, आप ब्रेकफास्ट में इसे ज़रूर बनाकर देखिए, ये बहुत ही हेल्दी ब्रेकफास्ट है। ऐसी ही आसान रेसिपीज़ के साथ मिलती हूँ अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।